कैसे हो दोस्तों? हिंदी फिल्म सिनेमा में बच्चों के ऊपर अनगिनत गाने लिखे गए हैं। काफी नामचीन गायकों ने इन गानों को गाए हैं, लेकिन इसी महीने में 1969 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, एक फूल दो माली, और मन्ना डे जी का उसमें एक बहुत ही मशहूर गाना था, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना भी है, जिसके बोल है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इस गाने को गुनगुनाने की वजह यह है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूली बॉर्न बच्चे के ऊपर है। किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने इस न्यूली बॉर्न बच्चे को मुफलिसी की वजह से बेच दिए थे। अकॉर्डिंग टू मिडडे 25 मई ट्यूजडे 2021, ये इसके फर्स्ट पेज की कटिंग है और ये आर्टिकल आया था पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 3 पे इसका बाकी आर्टिकल था जो ये है। इसमें ये बताया गया है कि एक माँ बाप रहते थे जिनकी 6 औलादे थी, और जो बाप है वो प्रोफेशन से रिक्शा ड्राइवर था, और इस पेंडेमिक में वो अपने 6 बच्चों की बराबर तरबियत नहीं कर पा रहा था, उनको 3 वक्ता खाना बराबर मुयस्सर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसने जो अपना 6ठा बच्चा है, जो लड़का था 5 महीने का, उसको 90,000 रुपए में बेच रहा था। और इस काम के लिए एक लेडी हेल्प कर रही थी, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, और अभी ये प्रूव हो रहा है कि इन पास्ट ये जो लेडी है इसने इस तरीके से गैर कानूनी एडॉप्शन में अपना किरदार अदा की थी। किस्सा यूं है कि पल्लवी और साईनाथ भोए ये सहाड़ में रहते थे, जो कल्याण का नेक्स्ट स्टेशन है। इनके 5 बच्चे थे, मगर इसी साल इनको 6ठा बच्चा पैदा हुआ, जो लड़का था, मगर इनकी फाइनेंशियली कंडीशन बराबर नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने न्यूली बॉर्न बच्चा, लड़का था जो 5 महीने का, उसको बेचने का इरादा किया। ये कहना है सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एन बांकर का। मानसी जाधव 36 ईयर्स, ये जो है बेलापुर में रहती है, और ये पहले एनजीओ में काम करती थी, और इस वक्त जो ये एडॉप्शन हो रहा था, इलीगल तरीके का जो एडॉप्शन हो रहा था, इसमें ये मदद कर रही थी, जिसकी वजह से थाने पुलिस ने इनको 22 मई सैटरडे 2021 को अरेस्ट करी। और ये जो साईनाथ की मुलाकात मानसी जाधव से रुक्मणी हॉस्पिटल कल्याण में हुई थी। थाने क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ने ट्रैक किया कल्याण में, जब इनको इन्फॉर्मर के तहत एक न्यूज मिली कि एक लेडी, ये मानसी जाधव, ये एक बच्चे को बेचने के लिए आ रही है, जिसके आवाज में उससे 1,70,000 रुपया मिलेगा, 90,000 मानसी जाधव रखेंगी और बाकी का 80,000 रुपया जो है वो बच्चे के पेरेंट्स को देंगी। पुलिस ने एक सिविलियन को कस्टमर बनाया और दूसरे आदमी को आई विटनेस बनाया। इस तरीके से 11:30 बजे सैटरडे 22 मई 2021 को ये कल्याण स्टेशन के बाहर पहुंचे, वहां वो मानसी जाधव से मिले। मानसी जाधव फिर उन्हें दीपक होटल लेके गए, जो कल्याण स्टेशन के सामने वाके है, वहां जाके मानसी ने उस बच्चे को विटनेस के हाथ में दी, और वो सिविलियन से वो पैसा ले रही थी। उसी वक्त कल्याण क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा, मानसी जाधव को, और जब उससे पूछा गया उसके पेरेंट्स किधर है, बच्चे के पेरेंट्स किधर है, तो उसने बताया कि वो बाहर रिक्शा में बैठे हैं। अलबत्ता उसके बाद जाके बच्चे के पेरेंट्स को भी अरेस्ट किया गया। बिना किसी मासूम बच्चे को चिल्ड्रन होम भेज दिया गया है आफ्टर प्रेजेंटिंग बिफोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC। पुलिस अब मानसी जाधव का
इन्वेस्टिगेशन करी, जो उसने स्टेटमेंट दिए कि इससे पहले भी मैंने कई बच्चों के एडॉप्शन में नुमाया किरदार अदा कर चुकी हूं। हम ये कहना चाहते हैं नेक औलाद कुदरत का बेहतरीन इनाम है। हमें हमारे बच्चों की सही तरबियत देना चाहिए। उन मां बाप से पूछिए जिनकी शादियों के कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक वो महरूम है औलाद के प्यार से, औलाद की एक आवाज सुनने के लिए। कुदरत ने अगर हमें औलाद दी है हम इसकी कदर करें, और औलाद का भी फर्ज है कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। बीइंग दी गुड पेरेंट्स हमको हमारे औलाद की सही तरबियत देना चाहिए, सही एजुकेशन देना चाहिए, ताकि ये आगे चल के हमारे समाज में, हमारे खानदान में, हमारे मुल्क में हमारा नाम रोशन करे, ना के इनको अगर सही तरबियत नहीं मिली तो ये पेरेंट्स का नाम तबाह बर्बाद कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं हर पेरेंट्स अपने बच्चों की सही तरबियत करेगा, सही गाइडेंस करेगा, सही एजुकेशन देगा, ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन रहे।